गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय सतनाम संगवारी हो। साथियों, हिंदी देखिए, शिक्षक अर्थात वर्ग दो की हम बात कर रहे हैं। शिक्षक पद के लिए अर्थात समान, आज हम सामान्य हिंदी और शिक्षण शास्त्र का सामान्य परिचय इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो आज की कहना चाहिए वीडियो चलेगी वो एक परिचय पर चलेगी। एक चीज आप सभी साथी याद रहे, आज से रेगुलर क्लासेस शिक्षक के लिए स्टार्ट होने वाली है, जिसमें विज्ञान हो, गणित हो, आर्ट हो, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जितने भी शिक्षक के पद हैं, वर्ग दो के पद हैं, उन तमाम पदों के लिए विभाग द्वारा केवल और केवल व्यापम द्वारा एक ही सिलेबस बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ठीक है हम पूरे कंटेंट की स्टडी करने वाले हैं। देखिए, शिक्षक की सिलेबस जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है साथियों, 150 का प्रश्न पत्र रहता है, आप सभी साथी अवगत हैं, जिसमें आपका बाल विकास में रहेगा 30 अंक, सामान्य हिंदी 25, सामान्य अंग्रेजी 25, विज्ञान और गणित रहेगा 30 नंबर, सामाजिक अध्ययन रहेगा 20, कंप्यूटर रहेगा 10 और सामान्य ज्ञान रहेगा 10। टोटल नंबर आप मार्क्स रहेंगे 150। एक से ये जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए है, यदि आप हिंदी माध्यम के साथी हैं तो भी यही सिलेबस है, और यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो भी आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जो क्लास चलने वाली है लगातार कंटिन्यू, वो है सामान्य हिंदी की, जो कि प्रातः 9 बजे की क्लास चलेंगी साथियों। ठीक है, प्रातः 9 बजे की जो क्लास चलने वाली है वह सामान्य हिंदी की क्लासेस है, जो कि 25 नंबर का आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हिंदी के अलावा इसमें हिंदी शिक्षण शास्त्र है, उसका भी अध्ययन करने वाले हैं। एक बात जो है सभी को बता दूं साथियों, जो शिक्षक के अलावा जो सहायक शिक्षक के साथी है उनके लिए हमने हिंदी जो सिलेबस है, हिंदी सब्जेक्ट है, उनको अभी नहीं कराया था। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक और सहायक शिक्षक का हिंदी विषय सेम है, तो आप जो भी साथी सहायक शिक्षक के हैं वे शिक्षक को भी ज्वाइन कीजिए, आपकी सहायक शिक्षक हिंदी भाषा की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से, इस तमाम जो शिक्षक भर्ती की वीडियोस के माध्यम से आपकी होने वाली है, तो आप बिल्कुल यहाँ जुड़े, शिक्षक की क्लास के साथ जुड़े। आज का जो सेशन है वो सामाजिक विज्ञान का रहेगा साथियों। आज हम केवल बेसिक चीजें, क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हम उसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको स्क्रीन पर ये जो सिलेबस दिखाई दे रहा होगा आप देख सकते हैं, भाषा हिंदी है, जो कि आपका 25 अंक का ये जो प्रश्न पत्र है बनता है, 25 नंबर से यहां से प्रश्न आते हैं, आपका हिंदी विषय से 25 अंक के प्रश्न आते हैं। इसमें अलग अलग यूनिट्स रखे गए हैं, जिसमें टोटल यूनिट की बात करें आप देख पाएंगे यहां पर टोटल 9 यूनिट का समावेश किया गया है हिंदी में। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, यूनिट वाइज तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज पूरे यूनिट कवर करवाएंगे साथियों, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन हमारी जो क्लास चलेंगी ना वो चैप्टर वाइज चलेंगी। जैसे एक दिन स्वर पढ़ेंगे तो एक दिन व्यंजन पढ़ेंगे, अक्षर ध्वनि, इस तरह से एक सीरीज में क्रम से चलेंगी। ठीक है साथियों, आप देख पाएंगे यूनिट 1 में हमारा वर्ण विचार, स्वर व्यंजन अक्षर वंतनी लिंग वचन काल वाक्य संधि, संधि के प्रकार, संधि विक्षेप, ये तमाम चीजें हम यहां से पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो संधि में आपको यहां से इतना पढ़ना है, अर्थात देखिए वर्ण विचार में इतना पढ़ना है, उसके बाद जब आते हैं स्वर विचार पे, शब्द विचार पे, तो शब्द के रूप, शब्द की रचना, स्रोत के आधार पर कितने प्रकार होंगे, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होंगे,
शब्द क्या है, शब्द कैसे बनाते हैं, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, उनके भेद क्या है, शब्द और शब्दांश क्या है, शब्द शक्ति, वो तमाम चीजें आप शब्द विचार के अंतर्गत स्टडी करने वाले हो। उसके बाद में हमारा आता है साथियों इकाई तीन। इकाई तीन में आप सभी साथी स्टडी करने वाले हैं पद और पद भेद के बारे में, जिसमें हम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम का स्टडी करेंगे, विशेषण की स्टडी करेंगे, कारक चिन्हों पर भी हम चर्चा इस वीडियो में या इस जो यूनिट है उसमें करेंगे, ठीक है। इकाई चार पर जब हम आते हैं साथियों, तो वाक्य का परिचय दिया गया है, जिसमें वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य भेद क्या क्या है, वो सब चीज आप इकाई चार से पढ़ेंगे। इकाई पांच में जब हम आएंगे तो विराम चिन्ह होता क्या है, विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका अभी अब नया नया जो विराम चिन्हों से प्रश्न बन रहा है साथियों, आप देखे होंगे सीजीटेट की परीक्षा में यहाँ विराम चिन्हों से प्रश्न बन रहा है, तो विराम चिन्ह का भी हम डीपली स्टडी करने वाले हैं, बेहतर तरीके से स्टडी करने वाले हैं, ताकि आप जब एक बार पढ़ेंगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब इकाई छह में हम आएंगे साथियों, रचना क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसमें हम बेसिक चीजों पर ही चर्चा करेंगे, ऐसा इसलिए प्रैक्टिस, क्योंकि ये तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे साथियों, है ना, उतना ही आपको फायदा मिलता है। उसके बाद जब आते हैं इकाई सात में अनसीन पैसेजेस के बारे में, अपठित गद्यांश के बारे में जब हम आएंगे तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आ जाते हैं हम शिक्षण शास्त्र में, जो कि आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भाषाई कौशल का अध्यापन करने वाले हैं, श्रवण वाचन लेखन और पठन कौशल पर हम चर्चा इकाई नौ में करेंगे। इस तरह से हमारी जो क्लासेस हैं वो चलेंगी, रेगुलर क्लासेस चलेंगी, यूनिट वाइज क्लासेस चलेंगी, चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी। जब हम स्टार्ट करेंगे साथियों वर्ण विचार को, ठीक है, तो यहां कोशिश करेंगे कि स्वर और व्यंजन दो दो टॉपिक को हम एक एक दिन में कवर कर ले। ये इकाई एक और इकाई दो ही सबसे बड़ी क्लास है और इसी में ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। उसके बाद की जो क्लासेस है वो एक एक दो दो दिन में हम कंप्लीट करते जाएंगे, ज्यादा दिन की क्लासेस बिल्कुल नहीं रहेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, ठीक है। 20 से 22-25 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी का पूरा काम तमाम कर दें, हिंदी पूरा क्लियर कर देंगे। उसके तुरंत बाद हम अन्य जो विषय है उस पर हम आएंगे, लेकिन हिंदी विषय है वो हम कंप्लीट करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है। सभी साथी बिल्कुल अच्छे से स्टडी करेंगे साथियों, क्योंकि हिंदी विषय अब पहले जैसा नहीं रहा, हिंदी को अब सरल मान के ना चलें, क्योंकि अब जो हिंदी आता है ना वो बहुत टफ लेवल का आता है, अंदर से पूछ रहे हैं भाई। अभी आप देखे होंगे पहले जब हम कुछ साल पहले जब हम एग्जाम देते थे ना, तो अक्सर आप देखे होंगे अकर्मक और सकर्मक, इन्हीं दो चीजों से हमारा पाला पड़ा था। लेकिन अब की स्थिति ऐसी आ गई है ना, द्विकर्मक, क्रियार्थक, मतलब इस कर्मक से भी इतने सारे कर्मक निकल गए हैं, पैदा हो गए हैं एग्जाम में, हालांकि वो तो पहले से है भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास जब बना है तमाम चीजें हैं, लेकिन ये चीजें नहीं पूछे जाते थे पहले, और अब यही चीजें पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन तमाम को याद रखना है, ऐसी ऐसी पॉइंट्स को भी याद रखना है जहां से क्वेश्चन बना है। हम जो क्लास चलाएंगे एकदम वहीं वहीं से हम टॉपिक लेंगे जहां जहां से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ताकि आसपास से यदि क्वेश्चन आएगा तो वो चीजें हमारा मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो इन तमाम बिंदुओं पर आपको चर्चा करना होगा, इन तमाम टॉपिकों पर आपको बेहतर तरीके से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको इस टॉपिक को पढ़ना है और इस टॉपिक से यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक चीज और आप सभी याद रखें साथियों, जब बात आती है ना अनसीन पैसेजेस की, ठीक है, तो यहां से हिंदी विषय की हम बात करते हैं तो एक तो आता है गद्य और एक आता है पद्य, ठीक है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गद्य बनता है पद्य नहीं बनता। यहां पर भी चाहे वो हिंदी की हम बात करें, बहुत सारे साथी इससे भी नंबर कम करते हैं। तो हिंदी में
अनसीन पैसेजेस बहुत बढ़िया है, एक माध्यम जहां से हम अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा विराम चिन्हों को भी आप गौर करेंगे, यहां से भी आपका अच्छे नंबर अचीव होगा साथियों। बिल्कुल एक नंबर का आपका जो प्रश्न है ना, वो विराम चिन्हों से 100% पूछे जाएंगे, दो मत की बात नहीं है। चाहे आपको पूछ देंगे अल्पविराम, दुनिया भर का विराम है, आपको 22 से 25 विराम चिन्ह आपको देखने को मिलेगा हमारी क्लासेस में, आप देखेंगे और पाएंगे साथियों, ठीक है। यहां से आपका बढ़िया क्वेश्चन बनता है, भाषाई कौशल से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा इस यूनिट से भी नहीं आएगा, सभी यूनिट से वैसे ही आएंगे, किसी में एक तो किसी में दो इस तरह से, और बड़े जो यूनिट्स हैं उनमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक रणनीति है, कहना चाहिए एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम है जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। रचना, मुहावरा और लोकोक्तियां, देखिए यहां से अभी जो सीजीटेट हुआ था ना साथियों, 3-3 नंबर से भी अधिक क्वेश्चन इसी यूनिट से डाल दिए थे, आप देखे होंगे लगातार 3-4 क्वेश्चन पूरा मुहावरा लोकोक्तियों से ही डाल दिए थे। तो अब ऐसा दिन रहा नहीं कि इस यूनिट से इतना पूछना है तो उतना ही आएगा, अब समय बदल रहा है, वो पेपर जो सेट करने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है साथियों कि कौन सी यूनिट से कितना ले। किसी भी यूनिट से तगड़ा क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हैं तो किसी यूनिट से बिल्कुल क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो इस तरह की परिस्थितियां अब निर्मित हो रही है, ठीक है। वाक्य, जब परिचय की बात आते हैं तो वाक्य से जुड़े भी अनेकों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। हर एक तो मान के चले हर यूनिट से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये 100% है, ठीक है। यहां देखो संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम के विशेष, अब संज्ञा के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के यहां से ऐसे नहीं आता, एक चीज याद रखें, इसमें प्रकार नहीं पूछे जाते। जैसे सर्वनाम की जब हम बात करते हैं ना, कोई भी एक वाक्य दे देंगे और ये कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। तो आपको उनके एक एक पॉइंट्स को देखना होगा, आपको उनके एक एक जो टाइप्स है उनको देखना होगा, वो हर एक टाइप्स कहता क्या है, कैसे हम उनसे जुड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये तमाम चीजें बेहद जरूरी है साथियों। विशेषण में भी यही क्वेश्चन बनता है, विशेषण में भी आपके एग्जाम्पल में कोई सेंटेंस रहेगा और उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है कि इसमें विशेषण कौन सा है, कौन सा विशेषण है। कारक चिन्हों की जब हम बात करते हैं तो ये भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है, और जितने भी है ना हिंदी की जब हम बात करते हैं, जब तक आप इनको अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, इनके जो परिभाषाएं हैं, इनके डेफिनेशंस है, उनको यदि आप क्लियर नहीं रखेंगे तो आपको एग्जाम में भटकना पड़ सकता है। आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक से तो आपको कंफ्यूज होना पड़ सकता है, तो आपको बिल्कुल अंदर तक जाना है और बेहतर करना है। जब हम आते हैं शब्द विचार में साथियों, ठीक है, तो देशज विदेशज से यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तत्सम तद्भव से भी आपका क्वेश्चन बनता है, पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी उपसर्ग प्रत्यय समास से भी क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से ना आपको, आप गौर करेंगे 3 नंबर और उससे भी अधिक नंबर आपको देखने को मिलेगा टॉपिक 2 से, ठीक है। यूनिट 2 से आपको 3 या 3 से अधिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है साथियों। वैसे ही आपका वर्ण विचार पर भी जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छे खासे जो मार्क्स के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल इन बिंदुओं पर जो ज्यादा ध्यान देना होगा, देखिए अनसीन पैसेज पर आप ज्यादा मेहनत करोगे ना तो वो तो व्यर्थ ही है, उसमें कुछ रटने वाले नहीं है। प्रैक्टिस करो, टाइम निकालो, टाइम निकाल के प्रैक्टिस करो, वही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं ना, प्रैक्टिस मैन मैक परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। अब ये किसमें सिद्ध होगा, आपका अनसीन पैसेजेस में सिद्ध होगा, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में सिद्ध होगा। तो इस तरह से ये पाठ्यक्रम रचना है,
सिलेबस रचना है जो कि आपके शिक्षक भर्ती के लिए ये निर्मित किया गया है संगवारी हो। ठीक है, तो आप मतलब बिल्कुल ये चीज ला समझना है और बेहतर तरीके से समझना है, एक एक बिंदु ला आप मतलब समझना है और हम हर बिंदु ला समझा के काम करबो। आप मन हमार साथ में जुड़ी है, हमार साथ बने रही है ताकि आप मतलब हर एक बिंदु आ बेहतर तरीके से समझ में आवे। आज के जो सेशन में हम ज्यादा चर्चा नहीं करन संगवारी हो, छोटे से क्लास है और सिर्फ हमन चर्चा यही करे हन कि का का पढ़ना है, का का छोड़ना है, कहाँ से प्रश्न आई, वो तो हम क्लास जब लेवत रहो ना तो आप मतलब तो मैं बताबेच करता हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते है ना भाई। तो बिल्कुल आप मन ला हमन वैसने पढ़ाबो, बढ़िया तरीके ले पढ़ाबो ताकि आप मन के दिमाग में बैठ जाए और जब एक बार दिमाग में बैठ जाते ना तो कोई समस्या नहीं हो। तो ये चीज ला आप मन ला समझना है। देखो कुछ चीज ला मैं छत्तीसगढ़ी में एक बार समझाता हूँ, आप हिंदी ला तो भूल जा, लेकिन जब मैं छत्तीसगढ़ी में मार के बोले रही हूँ ना आप ला एकदम दिमाग में घुस रही थी वो चीज है। काबा छत्तीसगढ़ियान भाई और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है ना। तो भाई छत्तीसगढ़ के अन्न छत्तीसगढ़ से हमार भाखा बोली बने हैं, तो वही के माध्यम से जब हम कोई चीज ला जल्दी पकड़ लेबो तो अच्छा बात है ना भाई। तो बिल्कुल काली ले क्लासेस फर्स्ट चालू हो ही, आज के हर क्लास फर्स्ट है ऐसे बात नहीं है संगवारी हो, लेकिन आज के जो है वह एक परिचय के क्लास री से कि हम ला पढ़ना का का है और काली ले जब चालू करबो तो हम काल स्वर और व्यंजन ला स्टार्ट करबो। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन ला पढ़बो, तो आप मन जम्मो साथी मन रेडी रही है ला पढ़े बा, एक एक करके हमन बिल्कुल क्रम से वर्णन करबो, क्रम से स्टडी करबो, क्रम से समझबो। टॉपिक छोटे रखबो ना संगवारी हो तो हम लोग ज्यादा कहना चाहिए विस्तार से आप मन ला समझा सकबो। ठीक है ना, तो आज के हमन ये चर्चा ला इंट्रोडक्शन क्लास ला यही समाप्त करथन। जम्मो संगवारी मन बिल्कुल अब कलम कापी तैयार रखिया, काली ले पुस्तक कापी तैयार रखिया, बिल्कुल हम एकदम क्रम से स्टडी करबो, ध्यान दे के पढ़बो। सुबह 9 बजे मोर हिंदी के क्लास चलही और रात के 9 बजे गणित के क्लास चलही। दोनों क्लास ला आप मन रेगुलर अटेंड करहू, हमार से बने रहू, हमार से जुड़े रहू। चैनल ला आप मन सब्सक्राइब करिया वो अपन संगी संगवारी मन ला शेयर जरूर करिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।